नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और खबर ये है कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ। न्यूज़ रूम लाइव में हम आपके साथ मौजूद हैं और बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर के। आज जो बड़ी खबरें देश के स्तर पर हैं वो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है। अब जो वहाँ के कमिश्नर हैं उनको सीबीआई के सामने पेश होना होगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ममता के गढ़ में लाख रोकने के बावजूद भी जो एक तरीके से कहें कि रैली को संबोधित कर रही हैं। पटना के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं आज, तो तमाम चीज़ें बात करें। सबसे पहले हम अरजीत सर के पास आते हैं। सर, आज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई, जो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई थी, जब जिस तरीके से डिटेन किया गया था सीबीआई को कलकत्ता के अंदर में, उसके बाद उस पूरे मामले पे क्या अपडेट है? ममता बनर्जी क्या धरने से उठ गई हैं या अभी भी जिद पे अड़ी हुई हैं? देखिए रोहित, अभी भी धरने पे बैठी हुई ममता बनर्जी। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लतार लगाई वहाँ की पुलिस को, और जो राजीव कुमार कमिश्नर हैं वो लगातार सीबीआई के सामने पेश होने से बचते जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि उनको हाजिर होना होगा, सीबीआई के पास जाना होगा। तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग खोज रही है ममता बनर्जी से। जब आप पत्रकारों ने आज पूछा कि आप कब धरना खत्म करेंगी, तो उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू आज आ रहे हैं, फिर उनसे बात करने के बाद हमको डिसीजन लेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक आज हो सकता है कि ममता बनर्जी अपना धरना समाप्त कर दें, क्योंकि जिस अधिकारी को बचाने का उन पर आरोप था, उस पर बहुत बड़े जो भ्रष्टाचार हुआ था शारदा घोटाला, उसके वो एसआईटी के हेड थे। तो सीबीआई चाह रही थी कि उससे पूछताछ करे ताकि जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट सबूत है, उसको खंगाला जा सके। तो इसमें बाधक बनने का आरोप ममता बनर्जी पे था। अब देखने वाली बात होगी कि कब धरना खत्म करती है, लेकिन जितना वो दबाव बनाना चाह रही थी केंद्र सरकार पे, उसका मकसद साफ है। उसका मकसद है कि वो अपने आप को महागठबंधन का नेता साबित करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि देश में एक मैसेज जाए, खासकर पश्चिम बंगाल में, कि महागठबंधन हमारे पीछे लामबंद है। तो इस कड़ी में, लेकिन अभी तक आप देखें रोहित, 3 दिन आज हो गए उनके धरने पर बैठे हुए, लेकिन तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो कोई बड़ा नेता अब से पहले वहाँ नहीं पहुँचा है। चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर पहले वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और तेजस्वी यादव, ये दो बड़े नेता पहुँचे हैं। ट्वीट करके भले ही तमाम नेताओं ने, 20-21 नेताओं ने उनको समर्थन दिया था, लेकिन जो वो चाह रही थी ममता बनर्जी कि तमाम विपक्षी नेता वहाँ आकर के इस मंच पे, उन्होंने स्टील फ्रेम का मंच भी बनाया था, ऐलान भी किया था कि लंबे समय तक धरना चलेगा, तो उसमें कामयाब होती नहीं दिख रही हैं। तो हो सकता है कि देर शाम तक ममता बनर्जी या धरना से उठ जाएं। लेकिन बड़ा सवाल देश के सामने ये है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी जो सीबीआई है उसको अगर काम करने राज्य सरकार नहीं देगी, तो फिर ये फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात होती है, संविधान बताने की जो बात होती है, जो लोग दावा करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम संविधान बताने चले हैं, बिहार के भी बहुत सारे नेता संविधान बचाने के लिए यात्रा पर निकलते रहते हैं, तो उसी संविधान के तहत सीबीआई का गठन हुआ है, वही कानून है जिसके अंदर सीबीआई का गठन हुआ है। तो अगर आप सीबीआई की बात नहीं मानेंगे तो फिर किस फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने का दावा किया करते हैं विपक्षी दल, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लेकिन ममता बनर्जी का जो दाव था वो तो उलट पड़ गया एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब जिस तरीके से वो धरने पे आई थी तो बिल्कुल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि संभवतः वो उनको रोल बैक करना पड़ेगा क्योंकि अब कोई दूसरा विकल्प है नहीं उनके पास। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजीव कुमार को पेश होना होगा सीबीआई के सामने, तब कुछ बचता नहीं है। सीबीआई भी यही चाह रही थी। 3 साल से आपको आश्चर्य होगा रोहित, पिछले 3 साल से 3 बार सीबीआई ने समन भेजा और उन्होंने अपीयर नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा घोटाला, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 20 लाख लोग, गरीब जनता जो है उनका पैसा उसमें डूबा है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं तो विपक्षी दल के जो वहाँ जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ पे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए, केंद्र सरकार गलत कर रही है, दबा रही है क्षेत्रीय दलों को, लेकिन इस पे कोई नहीं बोल रहा है कि मामला क्या है। मामला है कि बहुत बड़ा घोटाला बंगाल में हुआ जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए, उन्होंने चिटफंड कंपनी में पैसा डाला, वो पैसा लेकर फरार हो गई, और पिछले 3 साल से कलकत्ता के जो कमिश्नर हैं वो नहीं हाजिर हो रहे थे सीबीआई के सामने। तो आज बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत है लोकतंत्र के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजीव कुमार को अब हाजिर होना पड़ेगा, और 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, उससे पहले उनको हाजिर होना पड़ेगा। डीजीपी को भी नोटिस इशू हुआ है, चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस इशू हुआ है, क्योंकि तमाम लोगों को सीबीआई बुलाना चाहती थी, क्योंकि तमाम वही अधिकारी हैं जो कि कुछ समय पहले तक, जब से ये घोटाला शुरू हुआ, तो जिले में पोस्टेड थे, एसआईटी के हेड थे राजीव कुमार, चीफ सेक्रेटरी भी डीएम थे दूसरे जिले में, तो तमाम लोगों की भूमिका थी, और इन्हीं अधिकारियों को बचाने का आरोप लगता रहा है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री, उन्होंने साफ कहा कि 4 सांसद गिरफ्तार हुए इस घोटाले में टीएमसी के, तब ममता बनर्जी ने धरना नहीं दिया। कई बड़े अधिकारी से पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन राजीव कुमार के लिए धरना क्यों?
तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है, आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी एक्सपोज हुए हैं तमाम इस इशू में। अब देखने वाली बात होगी कि अब इसका क्या अंजाम होता है। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन अब चलिए बिहार की बात करते हैं, विवेकानंद के पास पहुँचते हैं। आज बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी खूब बयानबाजी हुई है ममता को लेकर के। क्या क्या बयानबाजी रही आज सुबह से? आप सुशील मोदी से भी के पास भी गए, आपने बीजेपी दफ्तर में भी जो सहयोग कार्यक्रम था वहाँ भी थे, तो बात क्या निकल के सामने आ रही है? क्या आज बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि दो दिन से लगातार बीजेपी की तरफ से ये तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही थी कि वहाँ पर ममता बनर्जी तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही हैं बंगाल के अंदर में, आज बीजेपी का क्या स्टैंड था जब सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से सीबीआई के साथ खड़ी नजर आई? तो बिल्कुल आज जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जो आदेश आया, उसके बाद बीजेपी जो है बीजेपी पूरी तरह से ऑफेंसिव थी और सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही हैं, पूरी तरह से संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं। अगर आप सीबीआई को रोकेंगे तो फिर कौन जाँच करेगा? तो निश्चित तौर पर आज सुशील मोदी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो इमरजेंसी से भी बदतर हैं। वहाँ जो है संविधान सम्मत जो अधिकार मिला हुआ है सीबीआई का, उसको रोकने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो आँच है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है यह जो फर्जीवाड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी आँच जो है ममता बनर्जी तक पहुँचती है। और सीधे तौर पर तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मामले में चूंकि ममता बनर्जी के साथ जो अधिकारी हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, वे धरने पर बैठते हैं, तो सीधे तौर पर इसमें उस अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तो सरकार से मांग भी कर डाली है कि वैसे अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। तो वहीं तमाम जो बीजेपी के अन्य बड़े भी जो नेता थे, मंगल पांडे से लेकर के जो अन्य नेता हैं, नित्यानंद राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उस अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर है राजीव कुमार है, से पूछताछ होगी, शिलोंग में पूछताछ होगी। तब यह बात साबित हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल में अगर पूछताछ होती तो शायद बेहतर तरीके से, स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो पाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारी के से जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे शिलोंग में जांच होगी। तो इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो वहाँ की सरकार है इस पूरे मसले को, पूरे घोटाले को दबाने में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं एक कड़ी के तौर पर पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार काम कर रहे थे और वो कड़ी जो है ममता बनर्जी सीएम हाउस तक जाकर के जुड़ती है। तो बिल्कुल ममता बनर्जी को लेकर के बिहार बीजेपी में भी जो गुस्सा है वो नज़र आ रहा है। बिहार के का पड़ोसी राज्य है बंगाल और बिहार की बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। गणेश के पास पहुँचते हैं। गणेश, तेजस्वी यादव ने कल ममता बनर्जी के साथ वहाँ पर धरना में वो शामिल हुए, उसके बाद वहाँ पर भाषण भी दिया, लेकिन अभी बड़ी खबर कुछ देर पहले आई है, वो क्या बड़ी खबर है और तेजस्वी यादव ने किस बात का ऐलान किया है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने 24 जनवरी को ही कह दिया था कि वो अब बिहार से बेरोजगारी हटाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करेंगे और अब इस यात्रा की शुरुआत की घोषणा उन्होंने कर दी है कि 7 फरवरी से वो करेंगे। और सीधे तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर वो हमलावर थे, कर्पूरी ठाकुर जयंती का मौका था, पूरे राजद समर्थक वहाँ पहुँचे थे, उनके बीच में दोनों भाई थे और दोनों भाई ने मन साझा किया था, उसमें तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी से यह कहा था कि हम LP मूवमेंट करेंगे, लालू प्रसाद के लिए मूवमेंट करेंगे। तब तेजस्वी मंच पर आए और बोले कि हम सबसे पहले जो जनता की समस्या है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और उन्होंने एक नारा दिया था कि बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ। तो अब बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ का जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जिस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें तेज प्रताप भी शामिल होंगे और तेज प्रताप जो अपने पिता के लिए करने जा रहे थे, LP मूवमेंट की बात कर रहे थे, उसकी भी शुरुआत साथ साथ ही की जाएगी। तेजस्वी ने इस बात की घोषणा की थी। तो कह सकते हैं कि अब चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर दिख रहे हैं, साथ ही साथ बिहार सरकार को घेरने के लिए भी वो पूरे तरीके से तैयार हैं कि जिस तरीके से युवाओं को बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया कि युवा वर्ग सबसे ज़्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनके पास रोजगार का कोई सृजन नहीं हो पा रहा, तो अब सरकार के सामने चुनौती हो जा रहा कि 2019 के पहले बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ भी तेजस्वी यादव खड़े होंगे और केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ भी खड़े होंगे। तो तेजस्वी एक साथ दोनों सरकार पर हमलावर होने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे? गणेश, पहला जो चरण है वो कहाँ कहाँ का है? पहला चरण 3 दिनों का है, 7, 8, 9। पहला वो अपनी यात्रा की शुरुआत दरभंगा से करने वाले हैं। 7 फरवरी को दरभंगा से करेंगे, 8 फरवरी को सुपौल और 9 फरवरी को भागलपुर में रहेंगे और यहीं से जो सबसे अंतिम छोर है वहाँ से शुरुआत करेंगे। पूर्वी छोर कहा जा सकते हैं, पटना का सबसे अंतिम छोर है क्योंकि लास्ट हो जाता है, बीच का हिस्सा उन्होंने नहीं लिया, कि शुरुआत अब उन जगहों से की जाएगी जो सीमांचल के इलाके हैं जहाँ पे RJD का बहुत अच्छा जनाधार रहा है,
उन तमाम जगहों से शुरुआत किया जाएगा और 2019 का जो लड़ाई है उसे फतह करने की तैयारी हो गया। बेरोजगारी, बेरोजगार जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बेरोजगारी का इस्तेमाल किया जाएगा। आरक्षण, जो केंद्र की सरकार 10% स्वर्ण आरक्षण की बात की थी उसके काट में ज़्यादा आरक्षण की बात तेजस्वी यादव ने कही थी। तो कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ममता के धरना पर भी बैठे, पूरे देश की राजनीति में तेजस्वी बिहार की एक अलग पहचान रखना चाहते हैं, आरजेडी की जो पहचान है उसे रखना चाहते हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से विपक्षी दल हैं उनके साथ वो खड़े हैं, एक महागठबंधन के तौर पे खड़े हैं, उसकी अगुवाई भी करते हुए दिख रहे हैं कई जगहों मंचों पे, तो वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ या जिस तरीके से एनडीए सरकार है उसके खिलाफ बिहार में आरजेडी बड़ी मुखालफत करने वाली पार्टी है और हर मुद्दे पर जो जन सरकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्या है उससे लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में यह उनकी यात्रा है जिसके लेके आरजेडी की काफ़ी तैयारी भी पहले से की जा चुकी है। रोहित, तो बिल्कुल आरजेडी तैयारी कर चुकी है, कोशिश यही क्योंकि चुनाव का साल है, चुनाव कुछ महीनों में शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने संविधान बचाओ, बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, इस तरह के मुद्दों को लेकर के वो बढ़ने वाले हैं और जाहिर तौर पर 3 जिलों को चुना है जिसमें 7, 8 और 9 तारीख को वो जो है वहाँ पर यात्रा करेंगे। बात है किस तरह के पास में, कीर्ति, पटना वालों के लिए आज अच्छी खबर है, मतलब एक लंबा इंतज़ार है, शायद करीब 8-9 सालों का इंतज़ार है क्योंकि हर बार कागज़ों पे चीज़ें आती हैं और ये लोग होता है कि शायद अब काम शुरू होगा, अब काम शुरू होगा, तो वो गुड न्यूज़ क्या है पटना के लोगों के लिए और क्या डेडलाइन तय की हुई है इसके लिए और कब तक पटना में मेट्रो आ जाएगी? जी, पटना वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि पटना में अब मेट्रो दौड़ने वाली है। जिस मेट्रो पे चढ़ने के लिए लोग मेट्रो सिटीज जाते थे, कोलकाता जाते थे, दिल्ली जाते थे, लोग इंतज़ार करते थे कि आखिर कब वो दिन आएगा जब पटना में भी मेट्रो दौड़ना शुरू होगा। तो आपको बता दें कि अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पटना में मेट्रो दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसका शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही होने वाला है। आपको बता देते हैं कि विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिलान्यास करने वाले हैं मेट्रो का। 17 फरवरी से लेकर के 3 मार्च ये डेट फाइनल हुआ है कि इस बीच में नरेंद्र मोदी जो है वो शिलान्यास करेंगे और जो रूट है, जिस रूट में मेट्रो का शिलान्यास करने वाला है वो शगुना मोड़ से शुरू होकर के मीठापुर बस स्टैंड पर जाएगा और रेलवे स्टेशन होते हुए जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा रूट भी है, इसी रूट का वो शिलान्यास करने वाले हैं और काफ़ी इंतज़ार है पटना वासियों को इस मेट्रो का और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पटना के बाकी भी जितने भी रूट्स हैं उन सब में भी मेट्रोज स्टार्ट हो जाएंगे। और क्योंकि काफ़ी समय से इस पर रिसर्च वर्क चल रहा था कि बनाना सही रहेगा कि नहीं, अब कहीं पर अंडरग्राउंड बनेगा, कहीं पर ब्रिज बनेगा, तो ये काफ़ी एक लंबा समय रहा क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेट्रो चलाना कोई आसान काम है नहीं, सड़क पे बस नहीं चलाना है, मेट्रो चलाना है। तो हाँ, इंतज़ार लंबा रहा लेकिन इंतज़ार का फल भी बिल्कुल मीठा मिलने वाला है पटना वासियों। तो बिल्कुल पटना के लोगों को भी अब मेट्रो की सौगात मिलने वाली है पीएम मोदी 17 तारीख को या 3 मार्च को, जैसा कृति बता रही हैं कि यहाँ के शहरी विकास विभाग ने इसको लेकर के अप्रोच किया है। कोशिश ये होगी कि पीएम मोदी का जैसे ही वक्त मिल जाए तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले पटना में मेट्रो का काम शुरू हो जाए। 2022 की डेडलाइन है जब पटना के 2 कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसमें कुल 42 स्टेशन बनाए जाएंगे और ख़ास बात ये कि पटना जो है देश के उन शहरों में शुमार हो जाएगा जहां पे बहुत जल्द मेट्रो चलने वाली है। न्यूज़ फॉर नेशन के न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम आगे भी आपके लिए खबरों को इसी तरीके से लेकर के आते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि देश और बिहार की जो बड़ी खबरें हैं आप तक पहुँचें और बस वही खबरें पहुँचें जिसका सरोकार सीधे आपसे हो।